हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेकर आए हैं यहाँ पर टॉप 4 मंथली इनकम स्कीम्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप हमेशा एक जो है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, जिसके लिए आप फ्रीलांसिंग या फिर अदर जॉब सर्च करते हो। बट अगर आप इन्वेस्टिंग स्कीम सोच रहे हो जिससे आप एक्स्ट्रा मंथली इनकम स्कीम जनरेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर ही पूरा देखिएगा। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर FD को लेकर। FD कुछ इस तरह के FDs भी होती हैं जिनसे आपको मिलने वाला इंटरेस्ट आप हर मंथ विड्रॉल कर सकते हो, या क्वार्टरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली एंड ईयरली भी ले सकते हो। इस तरह की जो FD जो फिक्स डिपॉजिट होती हैं, ये बैंक द्वारा ही चलाई जाती हैं। एंड यहाँ पर आपका जो मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये हर एक बैंक पर अलग अलग तरह से चेंज होता रहता है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो आप मिनिमम डिपॉजिट 10,000 का कर सकते हो। लेकिन इस तरह की FDs में एक खासियत होती है कि यहाँ पर आपको जनरली जो इंटरेस्ट FDs में मिलता है, उससे भी यहाँ पर FD में इंटरेस्ट कम मिलता है। तो आप भी अगर इस तरह की FD में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक बार पूरी डिटेल आपको बैंक से लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड इन्वेस्टमेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है। मैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। एंड जैसा कि पोस्ट ऑफिस नाम यहाँ पर जुड़ गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल मानी जाती है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा हैंडल की जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो इस समय पर 7.4% का चल रहा है। ये हर क्वार्टर यहाँ पर इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो आप जिस समय पर अपना अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हो, उस समय पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, वही आपको हमेशा के लिए मिलता रहता है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आप 1,000 रुपये के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हो। एंड मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं, तो सिंगल आप अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, तो 9,00,000 रुपये तक का जमा कर सकते हो। एंड अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हो, तो यहाँ पर आपको 15,00,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट जमा करने की धनराशि मिलती है, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पर आपको एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर अमाउंट दिया जाता है। इसी के अलावा अगर हम थर्ड नंबर की स्कीम की बात करते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिलता है, बट ये एडल्ट्स के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी एज 60 या 60+ है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 8.2% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाना चाहते हो, तो मिनिमम 1,000 रुपये एंड यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट 30,00,000 तक की मिलती है। एंड इसी इंटरेस्ट के साथ में आपको काफ़ी फ़ायदा भी देखने को मिलता है। वो फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आपको टैक्स के जो आपको बेनिफिट सेक्शन 80C के अंदर मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एज 60 के अराउंड में है, तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, जिसको हम जानते हैं टाटा SWP प्लान। इस SWP प्लान में क्या है कि आपको आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मंथली कितना पैसा चाहिए। एंड SWP की फुल फॉर्म भी है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहां पर आप टाटा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। एंड आपको इस स्कीम का फ़ायदा देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड जो भी आपको पैसा मिलता है, ये विड्रॉल प्लान के तहत मिलता है, बट आपके अमाउंट जमा करने पर ये डिपेंड करता है। एंड किस तरह से आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पर अगर आप 50,00,000 रुपये जमा कर रहे हो, एंड आप जो है 20,000 रुपये पर मंथ लेना चाहते हो, एंड आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% का ही रखते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप 5 सालों तक 20,000 रुपये हर मंथ लेते रहोगे, लेकिन आपके अकाउंट में उसके बाद भी जो वैल्यू बचेगी वो 58,00,000 रहेगी। मतलब 8,00,000 रुपये आपको और अदर प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये हमारा SWP प्लान हो जाता है, जिसके तहत आप हर मंथ की इनकम जनरेट कर सकते हो। बट ये टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने एक ऐसे ही लगाया हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट
कुछ भी हो सकता है। एंड आप जो पर मंथ विड्रॉल लेते हो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके NAV पर, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारी टॉप 4 जो कि आपकी सेविंग्स स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, जिनको आप अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूज कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।